ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरिओम। एक बार थाईलैंड में एक जगह है, उसकी 100 सीढ़ी है, मंदिर है वो, उसकी 100 सीढ़ी है। एक नाग देवता को श्राप मिला हुआ है, जब तक तुम 3 बार इस 100 सीढ़ी को नहीं करते पार चढ़ जाते, तुम्हें ये श्राप तुम्हारा नहीं हटेगा, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वो एक ही बारी गया हुआ है, जब बुद्ध भगवान आए थे, पूर्ण बुद्ध आए और वो उनके साथ ऊपर तक गया था एक ही बारी। अभी 3 बार जाना था, आज तक दूसरा बुद्ध कोई नहीं है। वो आते हैं लोग तो वो एक सीढ़ी 2 सीढ़ी से नीचे आ जाता है, वो कुछ नहीं होते हैं, ऑर्डिनरी लोग होते हैं। वो आज तक मुक्ति पाने के लिए उधर बैठा है। थाईलैंड की कहानी है ये। भगवान इतने रूप धारण करके आया है, अभी कौन सी आँखों से दूसरा देखें। आँखों में ज्योति उसकी है, आँखों में से जो खिड़कियाँ हैं उनमें भी देखो कि कौन बैठ के देख रहा है। शान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप कौन है। भगवान जी के पास कोई आता, देरानी जेठानी की बात करता, भगवान जी बोलते उसकी आँखों में नूर देख किसका है, तुम उसके 5 तत्व के पुतले की बातें कर रहे हो। जो सर्व में देखे, सर्व में सतगुरु देखता है, उसने भक्ति किया है। हम अपने से पूछें, इस सर्व में आत्मा देखते हैं? तुम बोलते हैं हम गीता पढ़ते हैं, तो किसके किसको कम ज़्यादा कैसे देखते हैं? हमारे से ये काम क्यों नहीं होता है, ये गुरु भक्ति क्यों नहीं होती, जो सर्व में साईं को देखे। वाह साईं वाह, वाह साईं वाह। भगवान जी बोलते हैं हाय हाय नहीं करो, वाह साईं वाह। एक प्रेमी ने क्वेश्चन करा, सतगुरु में आत्मा देखने में आती है पर वो भाव सबके लिए नहीं रहता। वेरी ट्रू, हम सबकी हालत ये होती है। भगवान जी कहते वो तो हम हुए लोभी कि जिससे मिला उसे रिटर्न किया, जिससे हमको मिला उधर भगवान देखकर, जिनसे नहीं मिलता है उससे क्या करते हैं। जिधर अपोजिशन मिलता है, अपोजिशन में प्यार करना ही उन्नति है, अपोजिशन में प्यार करना ही गुरु भक्ति है। अपोजिशन चैलेंज, हम क्यों तुच्छ जन्म लें, क्यों ना शेर के जैसे शेर गुरु मिला है, चैलेंज तो आएंगे, क्यों ना क्रॉस करना है। आप महाभारत देखो, क्या चैलेंजेस हैं द्रौपदी के, क्या क्या चैलेंजेस हैं। कृष्ण भगवान अवतार कैसे, मेरे गुरु का ज्ञान, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जिन्होंने हाँ जी हाँ जी करा, ना वो ऑफिस में बॉस ने कहीं फाइलें फेंकी, ना घरों में उनके लिए कोई प्रॉब्लम आई। कृष्ण भगवान को एक बार दुर्वासा ने बोला, दुर्वासा गली में चल के बोल रहे थे, है कोई माइका लाल जो मुझे अपने घर रखे। तो इमेजिन करो दुर्वासा को कौन रखेगा, जो एकदम से श्राप दे देता था। कृष्ण भगवान ने सुना, शॉर्ट में सुना देती हूँ, लंबा बहुत टाइम लगता है। तो कृष्ण भगवान ने बोला ठीक है, हाँ जी मैं रखता हूँ। दुर्वासा तो पागल की कैसी, कौन है ये, वो जो चीज़ बोलते हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक बार उन्होंने बोला खीर खानी है, हाँ जी, और उन्होंने बड़ा कढ़ाई खीर की बना दी, कभी भी ना नहीं बोली कृष्ण भगवान ने। दुर्वासा दिख रहा है कि हर चीज़ में जीतता जा रहा है। उन्होंने खीर बनाई, रुक्मणी पास में थी, सारी खीर रुक्मणी के चेहरे पे लगा दी, कोई किसी की बीवी को टच कर जाए, कुछ हो तो कितना गुस्सा आता है। कृष्ण भगवान खड़े हैं, सब लीला देख रहे हैं, हम कितना सीख सकते हैं इन चीज़ों से। तो उन्होंने क्या करा, खीर लगाकर उसको घोड़ा गाड़ी लेके सब जगह घुमा भी रहे हैं, कृष्ण चुप हैं, अजोल हैं। फिर उन्होंने कृष्ण को भी सारी जगह खीर लगाई, कृष्ण चुप हैं, लेकिन उनके तलबे रह गए थे। बाद में जब वो जीत गए, कृष्ण जीत गए, दुर्वासा हार गए, बोलते कृष्ण जा तू, तेरा शरीर वज्र की तरह बन चुका है। देखो सहने से क्या होता है, हमें आशीर्वाद मिलते हैं।
हमारे है क्या, हमें सहना क्या है, छोटा मोटा घर वालों को, वो हमारे अपने लोग हैं, कर्म प्राणी है। भगवान जी ने बोला कर्म काटो, कर्म बनाओ नहीं, अभी हमने निकलना है इस जंजाल से, मोह जाल से। जाओ तेरे तलबे रह गए, तो तलबों में ही तीर लगा था ना। तो हम ये सब नहीं कर सकते। अपने को अगर हमने फिट रखा हो, अपने को 2 घंटे दे दिए, सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे उठ जाओ, मैक्सिमम 3:40 और 4:30 तक का जो टाइम है, उसमें तो 6 के 6 चक्कर हमारे खुले होते हैं। उस समय जो बरसात अमृत मिलता है, आप भी अनुभव करो जो हमने भी करा है। तो अपने को फिट कर लिया, अपने को ज्ञान से क्या, कमरे से निकलते साथ भक्ति योग, और क्या भक्ति योग की बात बता रही हूँ जो भगवान जी ने बताई है। फिर बाहर सीन कैसा है, मॉन्स्टर है, कोई अपोजिशन है, हम तो शांत है ना। मनस्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है, मनोस्थिति कैसी है, अभी जो परिवर्तन का समय आ रहा है, इसमें कैसे कॉप अप करना है, हमने कैसे मैनेज करना है। क्योंकि परिवर्तन के लिए, महाभारत में परिवर्तन देखो क्या था, उधर भी लाशें जल रही थी, इधर भी लाशें क्या हो रही हैं, वही बना है ना। इसमें उसकी अपने सृष्टि को वो सृष्टिकर्ता कर रहा है ये सब। दुनिया कितनी खराब हो गई थी, वो कैसे धरती माँ कैसे बाहर सहती, तो उसने जो सृष्टिकर्ता कर रहा है उस परिवर्तन को हम इस समय भक्ति योग सुन रहे हो जब परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन में बाहर आप जाओगे, सहनशीलता सब में कमी होगी, घर वाले ही नहीं सुनेंगे, घर वाले ही सीधी बात को भी उल्टा ले रहे होंगे। रोज प्रे करो रात को सोने से पहले, भगवान मेरे परिवार में कलजुगी बुद्धि ना हो, कलजुगी बुद्धि ना आए। भगवान पहले अपने को दें, फिर प्रे भी करें, फिर हम ज्ञान से भी चलें, बताओ कहाँ प्रॉब्लम आएगी। राहु शनि केतु मंगल, ये सारे जो ज्योतिष विद्या है, ये सब क्या है, ये हमारे कर्म है, वो बोलेंगे ग्रह हैं, हमारे कर्म ही तो बिगाड़ के आए हम। अंगार का योग है, विष योग है, राहु का है, केतु का है, ग्रहण योग है, कितने योग बना के हम पैदा होते हैं, सर्पकाल योग है, इतना गुस्सा। गुरु आके धीरे 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 सारे योग करके भक्ति योग में ले आता है। बहुत आसान तरीके लोगों ने अपनाए हैं, जहाँ गुरु भक्ति नहीं है वहाँ सब अपने में, हाँ जी हम बहुत आध्यात्मिक हैं, हम तो 3 बजे उठ के साधना करते हैं। अरे देखो जरा, गुरु दीक्षा क्या है, दी माना परमात्मा, क्षा माना दे रहा है, दीक्षा परमात्मा, गुरु अपना रूप दे देता है, बैठ के मेरे को सामने रख के तू साधना कर। उन्होंने तो समस्या का समाधान बोला, सब रूप हटा दो, ओम भी हटा दो, ये भी हटा दो। शिव, एक बारी पार्वती साधना कर रही थी, बोल रही क्या सामने आ रहा है सारा, क्या देखे तीसरे नेत्र में, उधर अंधेरा है, अभी तारे चमक रहे हैं, अभी ये हो रहा है, अभी ओम आ रहा है। शिव जी बोले ये भी हटा, ये भी हटा, ये भी हटा, सिर्फ एक सब रूप रह गया, शिव रूप। ऐसे ही गुरु रूप है, संभावना है, गुरु मेरी पेड़ है, बीज है, बीज को खत्म करना है, पेड़ बन जाएगा। चेतना विराट महासागर है, आनंद ही आनंद है, आनंद के काओ इनके पार क्या है, आनंद के पार क्या है, परमात्मा का आनंद रूप क्या है, गुरु वही है सामने मेरे। बाहर भी आनंद है, भीतर भी आनंद है, तो गड़बड़ कहाँ हुई, गड़बड़ मेरे स्वभाव में। हम भगवान को खोया नहीं है, हमने भगवान को भुला दिया था। तो किसी को पूछो, सुख बुद्ध को पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है। अभी बुद्ध भगवान जैसे को क्यों लाया गया इधर, उनको दुखों का पता नहीं था। जब एक बार जनाजा देखा तो लगा मरना भी है, वो अर्थी देखी थी उन्होंने। तो उनको बोध कराने के लिए, बुद्ध को बोध कराने के लिए, हमें बुद्धि खोलने के लिए हमें गुरु मिले। कि बोध तो नहीं हुआ ना, अनुभव तो नहीं हुआ ना, डॉक्टर भी बन गए, सास बन गए, अनुभव कहाँ है, माँ बन गए, अनुभव कहाँ है। अनुभव ही तो चाहिए था कि ये है संसार, इसमें रहना है जहाँ जाना है। फिर गुरु आके हमें बताते हैं, 2 कैप्सूल देते हैं, ये संसार का, ये परमात्मा का, कौन सा खाना है हमें। तो इसलिए सदा सारा टाइम सुख ही सुख हो हमारे पास, क्या मज़ा आएगा। खाना खाली नमक है, नमक नमक ही है, जहाँ खाली मीठा है नमक, मज़ा आएगा, दोनों चाहिए। इसलिए उसको अनुभव करने के लिए हम नीचे आए हैं, जहाँ हमें गुरु भी दिया गया। हाउ लक्की वी ऑल आर। अगर कोई बोले तुम भगवान हो,
तुम परमात्मा हो तो क्या तुम मान लोगे? अगर बुद्ध को भी देखने के लिए भेजा, भगवान तो है ही, आत्मा तो है ही है भगवान। दादा भगवान ने बोला रोज प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, 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 5 मिनट, फिर 10 मिनट, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अपने को सेपरेट पाएंगे हम। ये अभ्यास जिसने सुबह करा हो, वह दरवाजे से बाहर जब निकला, क्या उसके सुबह उसके घर में कला क्लेश होगा? मैं आत्मा हूँ और मेरी प्रारब्ध मैंने इन लोगों से बनाई थी। मैं तो कलयुग में सबको पेशेंट देखती हूँ। पेशेंट देखोगे घर में, पेशेंट देखो सारे हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इनकी सेवा करूँगी, इनका इलाज करूँगी। बताओ वहाँ प्रॉब्लम आएगी? आजकल कलयुग में क्या करना है, गोली छोटी सी है, इतना सुन सुन के भी क्या करना है। भगवान जी के खूब सारे आशीर्वाद सबको। गॉड ब्लेस।